हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ पैन टियानिन टेंपल छोड़ने से पहले एक बार वुहांग मास्टर से मिलने गया था, जिसके बाद वहां से वो बुद्धिस्ट माइंड रॉक के पास गया था और फिर उसने टियानिन टेंपल छोड़ दिया था। इधर क्विंग्यून सेक्ट में जब सॉन्ग और एक डिसाइपल जाओ पैन के कमरे की साफ सफाई करने जाते हैं, तब तो उन्हें वहाँ पर शाओहुई मिलता है, मतलब जाओ पैन का बंदर मिलता है। जाओ पैन को बंदर को वहाँ देखकर वो लोग चौंक गए थे और उन्होंने आसपास जाओ फैन को भी ढूंढा था, पर उन्हें जाओ फैन कहीं नहीं मिला था। जब इस बारे में उन्होंने टियान बुई को बताया तो टियान बुई भी थोड़े चौंक गए थे और उन्होंने उससे पूछा था, क्या तुमने वहाँ पर जाओ फैन को देखा? लेकिन उन दोनों ने नाम में सिर ला दिया था क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाओ फैन को देखा ही नहीं था। इधर सभी डिसाइपल जब कमरे से बाहर आ गए थे, तब सूरू और टियान बुई के बीच कुछ बातें हुई थी। अब आगे सभी डिसाइपल्स हॉल के बाहर खड़े थे और अभी के लिए वांग और शाओहुई को आपस में खेलते हुए देख रहे थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी एक डिसाइपल कहता है, जब से लिंगर की शादी हुई है तब से हमने ऐसा माहौल देखा ही नहीं है, काफ़ी दिन हो गए ऐसा माहौल देखे। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर टियान बुई और सूरू खड़े हुए थे। उन दोनों को वहाँ देखकर सभी डिसाइपल जल्दी से उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी टियान बुई की नज़र वांग और शाओहुई पर पड़ती है और वो उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, ये दोनों जानवर क्रेजी हो गए हैं। उनकी बात सुनकर सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि ये बात उनके टीचर ने कही थी और कोई भी इस बात को काटना नहीं चाहता था। भले ही किसी डिसाइपल ने कुछ नहीं कहा था, पर शायद वांग ने ये बात समझ ली थी। वो गुस्से से टियान बुई को घूरने लगता है और उनकी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। ये देखकर टियान बुई, जो इनका मूड पहले से ही ख़राब था, वो भी गुस्से में उसे देखने लगते हैं और गुस्से में उसे काफ़ी देर तक कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये देखकर एक डिसाइपल आगे आता है और कहता है, टीचर मैं आपका डिसाइपल हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं ज़रूर करूँगा, आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए और मुझे बताइए मुझे इस वांग के साथ क्या करना है। उसकी बात सुनकर टियान बुई थोड़ी देर के लिए उसे घूरते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, ठीक है तुम मेरे डिसाइपल हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, आज शाम को तुम इस कुत्ते को मार देना और इसकी बिरयानी बनाकर मुझे खिलाना। उनकी बात सुनकर वो डिसाइपल चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, टीचर आखिर मैं ये सब कैसे, क्या कुछ, वो क्या कहना चाहता था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जितनी देर में अपनी बात कंप्लीट करता उतनी देर में टियान बुई वहाँ से जा चुके थे। अभी के लिए वो डिसाइपल बहुत ही अजीब तरह से वांग को देख रहा था और सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानता था वांग उनके टीचर का फेवरेट जानवर है। ऐसे में अगर वो वांग को चोट पहुँचाएगा तो टीचर उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन ये ऑर्डर भी तो टीचर का ही था कि उसे ये सब करना है, तो ऐसे में उसे आखिर क्या करना चाहिए था, इसी बारे में अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुड़कर सॉन्ग की तरफ देखता है, लेकिन सॉन्ग तो अभी के लिए उसे देखकर हंस रहा था और हंसते हुए कहता है, तुम्हें टीचर की मदद करनी थी ना, तो जाओ अब जाकर टीचर की मदद करो, उनके लिए बिरयानी बनाओ। ये कहकर सॉन्ग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बाकी सभी डिसाइपल्स भी हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। अभी के लिए वहाँ पर सिर्फ फोर्थ डिसाइपल बचा हुआ था, जिसे टियान बुई ने ये सब करने के लिए कहा था। उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। खैर वक्त बीतता जाता है और शाम हो जाती है। शाम को फोर्थ डिसाइपल हुआंग को एक रस्सी से बांध देता है। उसने हुआंग को अभी के लिए किचन के पास बांधा था। उसके मन में अभी एक ख्याल चल रहा था, आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो अपने टीचर का ऑर्डर मान भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करता तो शायद उसे बाद में पनिशमेंट ही मिलती, पर अगर वो शायद ऐसा कुछ नहीं करता तो टीचर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो अभी के लिए वांग को यहीं पर बांध कर रखेगा और जब उसके टीचर शाम को खाना खाने आएंगे तब वो उनके टीचर से पूछकर वांग के साथ वो जो भी करने के लिए कहेंगे वो कर देगा। ये सोचकर अभी के लिए वो वहाँ पर रुका हुआ था। अब एक के बाद एक सभी डिसाइपल्स वहाँ पर खाना खाने के लिए आने लगते हैं।
लगभग सभी डिसाइपल्स वहाँ पर आ चुके थे, सभी किचन के अंदर मौजूद थे। सॉन्ग उस डिसाइपल से यानी फोर्थ डिसाइपल से कहता है, क्या तुमने टीचर का ऑर्डर फुलफिल नहीं किया? इस पर फोर्थ डिसाइपल उसे गुस्से में घूरने लगता है तो सॉन्ग हंसने लगता है। अभी के लिए सभी डिसाइपल्स तो आ चुके थे बट टियान बुई और सुरू नहीं आए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि इस टाइम तक तो वो लोग आ जाया करते थे। सभी लोग अभी सुरू और टियान बुई का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी अचानक से उन लोगों को हुआंग के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ को सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। कोई भी फिर ज़्यादा नहीं सोचता है और सभी लोग किचन से बाहर आकर देखने लगते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि हुआंग जिसे फोर्थ डिसाइपल ने किचन के बाहर बांधा था वो तो वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ खाली रस्सी पड़ी हुई थी। अभी के लिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं, तभी उन्हें एक डायरेक्शन से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सभी लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं, उस डायरेक्शन में ज़ाओफैन का घर था। हुआंग अभी के लिए ज़ाओफैन के कमरे के अंदर मौजूद था और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ पर सिर्फ हुआंग मौजूद था, चाउवी वहाँ पर कहीं भी नहीं मौजूद था। जैसे वो अजीब तरह से एकदम वहाँ पर आया था वैसे ही वो वहाँ पर अचानक से गायब भी हो गया था। अभी के लिए किसी को भी वहाँ पर शाऊ ही नहीं दिख रहा था, अभी के लिए सिर्फ वहाँ पर हुआंग मौजूद था जो आसमान की तरफ देखकर लगातार भौंके जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी सॉन्ग के मन में एक ख्याल आता है, क्या वो यहाँ पर आया था? क्या वो यहाँ पर आकर शाऊ ही को लेकर जा चुका है? वो लोग शाऊ ही को आसपास और ढूंढते हैं पर किसी को भी शाऊ ही नहीं मिलता है, इसलिए अब सब लोग शाऊ ही को ढूंढना बंद कर देते हैं और वापस किचन में लौट आते हैं। किचन में थोड़ी देर तक वो लोग बैठे रहते हैं, अचानक से वहाँ पर सुरू आती है, लेकिन सुरू अकेली थी, उनके साथ टियान बुई नहीं थे। ये देखकर फोर्थ डिसाइपल पूछता है, टीचर वाइफ आखिर टीचर क्यों नहीं आए हैं? तो इस पर सुरू उसे अजीब तरह से देखने लगती है, जिसके बाद वो अजीब तरह से कहती हैं, अभी के लिए तुम्हारे टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो कुछ सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि आज शाम को वो खाना नहीं खाएंगे, इसलिए अब तुम लोग उन्हें परेशान मत करो। फोर्थ डिसाइपल आगे भी पूछना चाहता था आखिर टियान बुई को क्या हुआ है, लेकिन जब वो सुरू के चेहरे के एक्सप्रेशन देखता है तो उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती है। वो चुपचाप जल्दी से सभी को खाना परोसने लगता है और सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। इधर इन सभी से दूर टियान बुई अपने कमरे में बैठे हुए थे और पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई पड़ रही थी। इधर सीन चेंज हो जाता है और हमें क्विंग्यू सेट के आसपास फैले हुए जंगलों का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए हवा में एक इंसान उड़ रहा था, उसके कंधे पर एक बंदर बैठा हुआ था जो लगातार वाइन पिए जा रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ज़ाओफैन था। ज़ाओफैन चाउहुई को लेने के बाद तुरंत क्विंग्यू सेट से बाहर आ गया था। अभी के लिए वो हवा में उड़े जा रहा था, शायद वो दोबारा से होस्किंग सेट की तरफ जा रहा था। तभी वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकता है, वो वहाँ पर आग जलाकर थोड़ा मीट रोस्ट करने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है और वो एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। काफ़ी देर तक वो उस डायरेक्शन की तरफ देखता रहता है और फिर कहता है, तुम्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। जैसे ही ज़ाओफैन ने कहता है तो तुरंत कुछ नहीं होता है, लेकिन 4 से 5 मिनट बाद अचानक से एक काले रंग की परछाई झाड़ियों से बाहर आ जाती है। ज़ाओफैन उस परछाई को घूरने लगता है, ये परछाई कोई और नहीं बल्कि मिस्टर घोष था। ज़ाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर मिस्टर घोष उसे घूरते हुए कहता है, क्या हुआ वाइस सेक्ट लीडर, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे नाराज़ हैं और मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं? इस पर ज़ाओफैन कुछ नहीं कहता है। फाइनली थोड़ी देर बाद मिस्टर घोष्टी कहता है, ठीक है चलो अब इन बातों को साइड में रखते हैं, मैं बस तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मिलने इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें मिलना था, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें घोस्ट किंग का एक मैसेज देना था। ज़ाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, कैसा मैसेज?
और आखिर क्या हुआ है जो घोस्ट किंग मुझे मैसेज भेज रहे हैं। इस पर मिस्टर घोस्ट कहता है, जब घोस्ट किंग को पता चला कि मून केव के बाहर तुम बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और तुम्हारी लगभग जान जाते जाते बची थी, तो उन्हें तुम्हारी चिंता होने लगी थी। उन्होंने अपने सेक के सभी जासूसों को तुम्हारी तलाश करने के लिए लगा दिया था। उन्हें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने सभी को ऑर्डर दिया था कि अगर उन्हें कहीं भी ज़ाओफेन दिखे तो वो उसे वापस घोस्ट किंग सेक की होली लैंड पर लेकर आए, ताकि ज़ाओफेन वहाँ पर रुक कर रेस्ट कर सके। लेकिन तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो, ऐसे में मेरे हिसाब से तुम्हें अभी के लिए रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मैसेज देता हूँ। घोस्ट किंग ने कहा था कि अगर ज़ाओफेन पूरी तरह से ठीक हो तो फिर उसे तुम मेरा अगला मैसेज देना। वो अगला मैसेज ये है कि तुम भी जानते होगे कि क्विंग्यू सेट के साथ हुई फाइट में ईविल बीस्ट गॉड हार गया था और बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। बट ईविल बीस्ट गॉड ने हमारे घोस्ट किंग सेट के बहुत से डिसाइपल्स को मारा है। ऐसे में घोस्ट किंग चाहते हैं कि तुम जाकर अब उस ईविल बीस्ट गॉड को ख़त्म कर दो। ज़ाओफेन थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं जाकर उसे मार दूंगा। तो मिस्टर घोस्ट आगे कहता है, ये ऑर्डर तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर साथ ही साथ घोस्ट किंग ने एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया है। तो ज़ाओफेन पूछता है, कैसा ऑर्डर? इस पर मिस्टर घोस्ट बताता है, घोस्ट किंग ने कहा है उस ईविल बीस्ट गॉड के साथ एंशिएंट बीस्ट टाउटी भी है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब तुम ईविल बीस्ट गॉड को मारने जाओ तो तुम्हें ईविल बीस्ट गॉड को बुरी तरह से मारना है, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम्हें उस टाउटी को नहीं मारना है, उसे तुम्हें ज़िंदा पकड़ना है और उसे ज़िंदा होली लैंड में लेकर जाना है। ये ऑर्डर घोस्ट किंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। तो इस पर ज़ाओफेन पूछता है, आखिर उन्हें टाउटी के साथ क्या करना है? ज़ाओफेन टाउटी के बारे में जानता था। टाउटी एक एंशिएंट बीस्ट था जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ऐसे में आखिर घोस्ट किंग उसके साथ क्या करना चाहते थे? ये सवाल ज़ाओफेन के मन में दौड़ रहा था। वो मिस्टर घोस्ट से पूछता है, आखिर घोस्ट किंग टाउटी के साथ क्या करना चाहते हैं? तो इस पर मिस्टर घोस्ट उसे बताता है, ये चीज़ जानने की तुम्हें अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तुम सिर्फ उतना करो जितना करने के लिए तुम्हें कहा गया है। ये सुनकर ज़ाओफेन काफ़ी देर तक उसे घूरता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद ज़ाओफेन उससे पूछता है, अभी के लिए वो ईविल बीस्ट गॉड कहाँ पर है, क्या तुम्हें जानते हो? तो इस पर मिस्टर घोस्ट उसे बताता है, उस फाइट में ईविल बीस्ट गॉड बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके काफ़ी सारे ईविल बीस्ट किंग उस फाइट में मारे गए थे। इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो वहाँ से सीधा साउथर्न बॉर्डर पर जाएगा और वहाँ जाकर पहले खुद को हील करेगा, और खुद को हील करने के बाद वो अपने उन ईविल बीस्ट किंग को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश करेगा। भले ही वो साउथर्न बॉर्डर के लिए आज से 6-7 महीने पहले ही रवाना हो गया हो, पर वो उस समय बुरी तरह से घायल था। ऐसे में उसे साउथर्न बॉर्डर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए ज़रूर वो साउथर्न बॉर्डर पर ही होगा, वो वहाँ से कहीं नहीं गया होगा, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए। ये सुनकर ज़ाओफेन कहता है, ठीक है, हम साउथर्न बॉर्डर की तरफ जाएंगे। और ये कहकर वो अब मिस्टर घोस्ट की तरफ देखता भी नहीं है। ज़ाओफेन एक बार ज़मीन पर पैर मारता है और हवा में उड़ने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से बहुत तेज़ी से हवा में गायब हो जाता है। किसी को भी अभी के लिए ज़ाओफेन नहीं दिख रहा था। इधर मिस्टर घोस्ट ज़ाओफेन की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। वो चौंक कर कहता है, इतने कम टाइम में आखिर इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? आखिर उस इंसिडेंट के बाद इसके साथ हुआ क्या था? और उस दिन वो लोग जिन्होंने ज़ाओफेन को बचाया था, आखिर वो लोग कौन थे? काश उन लोगों ने काले रंग के कपड़े नहीं पहन रखे होते तो मुझे पता चल जाता वो लोग कौन थे। ये कहकर वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और पूरे जंगल में खामोशी छा जाती है। अभी के लिए वहाँ पर सिर्फ आग के जलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।